नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन आईडी हैकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या ऑनलाइन आईडी को हैक किया जा सकता है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें हैकिंग के बारे में तो हैकिंग यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े अकाउंट्स लोगों का, ट्विटर अकाउंट, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल तक लोगों के हैक हो जाते हैं, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। तो ये बात करें एक्सचेंज आईडी स्पोर्ट्स बुक की, तो ये एक साइट है, एक आईडी है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर पॉसिबल है कि इन आईडीज को भी हैक किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना मतलब ऐड रन कराते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ऐड रन कराते हैं। उनका कहना ये होता है कि हम हैकर हैं, हमारे पास हैकिंग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए हम आपकी आईडी में पॉइंट्स बढ़ा देंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे 50% प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क करते हैं या तो 40% प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क करते हैं। उनका कहना कुछ ऐसा होता है कि हम आपकी आईडी में अगर 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट कराते हैं तो 1,00,000 रुपये में 60,000 रुपये आपका होगा और 40,000 रुपये हमारा होगा। इस तरह से वो आपको एक लालच देते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं। प्रूफ के लिए वो आपको फेक स्क्रीनशॉट्स एडिट करके दिखा देते हैं कि हम आपको इतना इतना प्रॉफिट करा के दे सकते हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, हम इतने सारे लोगों के साथ प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क करते हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको यहाँ पे पैसे कमाना है तो हम आपको डेली का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा करके देंगे। तो मैं आपको यहीं पर एक चीज कहना चाहूंगा, आप किसी भी ऐसे स्कैमर्स के झांसे में ना फंसे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर लॉस करवाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप खुद एक हैकर हैं, आपकी बात करूँ, अगर आप खुद एक हैकर हैं, आपके पास एक ऐसा तरीका जिससे कि आप एक्सचेंज आईडी को हैक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एक एक्सचेंज आईडी लेंगे, उसी आईडी को हैक करेंगे और थोड़ा बहुत बैलेंस उसमें डलवाएंगे, उसी बैलेंस से आप यहाँ पे हैकिंग के जरिए अपने पॉइंट्स बढ़ा देंगे और आप जितना मर्जी उतना यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं और अपने लिए यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हैं। आपको हमारी या फिर किसी और की क्या ज़रूरत है, और यूट्यूब फेसबुक का सहारा लेने की आपको क्या ज़रूरत है, आप अपनी खुद की आईडी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। और ये एक सीक्रेट है, आपको क्या ज़रूरत है किसी को भी यहाँ पे बताने की। अगर हैकिंग कोई सचमुच में कर रहा है तो वो चीज़ आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी नहीं मिलने वाला है, वो एक बिल्कुल सीक्रेट चीज़ होगी और वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रन करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर होता यह कि कोई भी बड़ी बड़ी साइट होती है इसमें कोई ना कोई ऐसी मिसिंग ज़रूर होती है, कोई ऐसा बग होता है कि जो यहाँ पे कोडिंग जानते हैं तो वो उस कोडिंग को क्रैक कर लेते हैं, क्रैक करने के बाद उस चीज़ को वो हैक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर मैं बताता हूँ आपको कि वहाँ जो भी इतनी बड़ी साइट है वो साइट बनती है कोडिंग से, तो यहाँ पे कोडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें मतलब जो इतनी बड़ी साइट चला रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो सैलरी बेस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग को रखता है अपने साथ, इसी के लिए रखता है कि कोई भी हमारी साइट को, कोई भी हमारी आईडी को हैक ना कर सके। तो वो यहाँ पे यही काम करते हैं और ऐसा मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, अपनी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाते रहते हैं कि किसी भी कंडीशन पे कोई भी जो साइट है उनकी वो हैक नहीं होनी चाहिए किसी भी हैकर के माध्यम से। तो अगर यहाँ पे कोई सचमुच में हैकर है जिसने साइट को हैक कर लिया तो वो कुछ समय बाद उसकी हैकिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, उसमें भी सुधार कर देंगे और ऐसा सुधार करेंगे कि वही जो हैकर था जिस तरीके से उस आईडी को हैक कर रहा था दोबारा अगर हैक करेगा तो एरर हो जाएगा, फिर वही हैकर फिर कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे उस आईडी को हैक करें, अगर उसको फिर कहीं ना कहीं ऐसा बग मिल जाएगा तो वो वापस से हैक कर लेगा और जो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं वापस से उसी चीज़ों में सुधार कर देंगे। तो हैकिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है और उसमें सुधार कर दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपसे बताता है कि हम आपका यहाँ पे प्रॉफिट करवाएंगे तो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होता है और कोई आपका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करवा सकता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें होती हैं। और जो आपको बोलता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, हैकिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो आपसे यहाँ पे झूठ बोल रहा है, आपके साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो स्कैमर्स हैं इनके पास लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि ये है सोशल मीडिया में, ये है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक में, अलग अलग ग्रुप में ज्वाइंस हैं, अलग अलग चैनल्स में ये ज्वाइंस हो जाते हैं और ये अपना खुद का प्रमोशन करवाते रहते हैं। काम क्या करते हैं, है तो इनका बहुत बड़े लेवल का काम, बट ये कैसे लोगों के साथ स्कैम करते हैं मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। अब जैसे कोई टेलीग्राम चैनल है, सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं टेलीग्राम पे। अब टेलीग्राम चैनल है किसी का जिसके में मान लीजिए कोई 1,00,000 लोग जुड़े हैं या फिर किसी के में 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये उनको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमारा आप प्रमोशन करो। तो बहुत से चैनल वाले क्या करते हैं कि उनका पैसा लेने के बाद प्रमोशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को देखे, हैकिंग का नाम सुने
और ये उनको लालच दिया गया कि भाई हैकिंग के जरिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट करवा देंगे, तो वो जा करके उनको कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी कुछ उनको मैसेज कर देते हैं। मैसेज करने के बाद वो क्या होता है, उनको यही चीज़ों की तलाश होती है, तो उनके पास जब बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं फिर वो लोगों को कन्विंस करना चालू कर देते हैं। कन्विंस करने के लिए वो लोगों को फोटोज़ एडिट करके देते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, वीडियोस देते हैं ताकि लोग इस चीज़ को देखें। फिर उनके कुछ सवाल जवाब होते हैं, तो कॉमन सवाल होते हैं कि अगर आप ऐसा हैक कर सकते हैं तो खुद क्यों नहीं हैक, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको आंसर ज़रूर दे देते हैं। फिर कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करके उनको कन्विंस करते रहते हैं। कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं, बहुत से लोग कन्विंस नहीं भी होते हैं। तो कुछ लोग जैसे कन्विंस हुए, अब उनको यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड वगैरह बैलेंस भरवा के सेंड कर दिए, तो उनके पास हज़ार लोग के यहाँ पे क्या आ गए, आईडी एंड पासवर्ड और बैलेंस वगैरह सब उनमें रहेंगे। तो जो स्कैमर्स वो करेगा क्या, दो ग्रुप बनाएगा, ए और बी। तो जो मतलब अगर उसके पास 1000 लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो 1000 में 500 लोग एक ग्रुप में और 500 लोग बी ग्रुप में रहेंगे। तो अब जैसे ऑनलाइन कैसीनो बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे ड्रैगन टाइगर, 777 के बाद अपना रूलेट है, काफ़ी सारे ऐसे गेम हैं। तो मैं अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल बात कर रहा हूँ ड्रैगन टाइगर के, तो अब यहाँ पे एक ग्रुप जो होंगे उसके 500 लोग होंगे, उन 500 लोग की बैट कर देगा ड्रैगन पे और 500 लोगों की बैट लगा देगा टाइगर पे। तो ड्रैगन या तो टाइगर, दोनों में से कोई एक चीज़ आनी है, टाई रेयर केस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक का प्रॉफिट होगा ए ग्रुप का और बी का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, या तो बी का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे ए लोग का लॉस हो जाएगा। तो सपोज ड्रैगन आ गया और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ए टीम का और बी यहाँ पे लॉस चली गई, तो जो बी टीम होगी उस बंदे को या तो गाली देगी या तो ब्लॉक कर देगी, आगे से काम नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है, ठीक है ना। अब ए वाले में क्या हुआ, उनका बैलेंस जस्ट हो जाता है डबल। जब उनका बैलेंस डबल हो जाता है तो उनको उन पे और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है और यकीन हो जाता है, फिर आगे से वो उनको और ज़्यादा की आईडीज देते हैं और ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। फिर इसमें जो 500 लोग बचे, 500 लोग को फिर ए और बी ग्रुप में बांट दिया जाएगा। उसको बांटने के बाद यहाँ पे होता क्या है, फिर एक में ड्रैगन लगाएंगे, एक में टाइगर लगाएंगे, फिर कुछ लोग का यहाँ पे प्रॉफिट है, कुछ लोग का लॉस है। तो जिनका जिनका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग वर्क तो हो ही रहा है, तो बहुत से लोग उनको प्रॉफिट शेयर कर ही देते हैं वापस उन लोगों के पास। हैकर जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास यहाँ पे पैसे आ जाते हैं, फिर वापस से टेलीग्राम, यूट्यूब और अलग अलग जगह में जाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, फिर उनके पास हज़ारों लोगों के मैसेज आते हैं, हज़ारों लोग जुड़ते हैं, फिर वो ऐसे डिवाइड करते हैं ए और बी में, वो मतलब ऐसा अपना चैन चलाते रहते हैं और लोगों के साथ यहाँ पे स्कैम होता रहता है, लोग यहाँ पे लॉस में जाते रहते हैं। तो उनका सिर्फ इतना ही काम है। अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है कि हम आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ज़रिए आईडी हैक कर देंगे, हैक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट करवाएंगे, तो आप बिल्कुल भी ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी ना फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका लॉस होना है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मेरे साथ खुद 5500 का मतलब लॉस कैसा हुआ, उसमें मैंने बताया है कि मैंने आईडी क्यों दिया, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम होता है, स्कैम हो गई। तो मैंने एक सब्सक्राइबर्स के कहने पे एक आईडी दिया था, जो कि मैंने उसको मना भी किया था, बट मैंने बोला चलो ठीक है, अगर तुमको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है तो मैं खुद उसको अपनी आईडी दूंगा, ठीक है ना। सब्सक्राइबर्स के कहने में मैंने खुद अपनी एक आईडी दिया था जिसमें 5500 रुपये मैंने बैलेंस भी भरवाया था। तो वो वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो को जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।